कोठा विधायक दीप नारायण यादव उर्फ दीपक के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कर 237 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, जिसके बाद झांसी के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव व दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फोर्स आई, पुलिस आई तो उन्होंने कहा ये घर खाली कर दीजिए, मुझे सील करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई आदमी अपने लिए एक मकान भी नहीं बना सकता रहने के लिए। मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। बाकी जो भी म्यूनसिटी सीज की, बाकी जो प्रॉपर्टी की, वो मेरी JDA से नक्शा पास है, उसका नंबर एक में है। मैंने कोई अवैध नहीं बनाई है, और जो भी जिस गैंगस्टर के तहत जो कार्रवाई हो रही है, जितने भी जो अभी केस लगाए गए हैं, अगर एक भी इसमें सच्चाई हो तो मैं दूध का दूध पानी का पानी, अगर CBI जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसमें। मेरा जी सवाल ये है कि अचानक ये कार्य कैसे हो गई, क्या अखिलेश जी के आने के बाद ऐसा हो रहा है? देखो, अखिलेश जी भैया को मैं दोषी नहीं ठहरा, वो उनके मुखिया है हमारे, वो पार्टी के लिए आएंगे नहीं, अपने कार्यकर्ता हों नेता हों तो मिलने तो आएंगे, लेकिन ऐसा किसी पार्टी में नहीं देखा है मैंने जो इस पार्टी में जो हो रहा है। इतना अन्याय हो रहा है मतलब इस सरकार में, इतना अन्याय हो रहा है। तो आप अपने को बेघर मान रही हैं आज? बिल्कुल, मैं तो रोड पे आ गई हूँ। अब आप यहाँ से क्या करेंगी? क्या करेंगे, लड़ेंगे। न्यायपालिका पर भरोसा है मुझे, मुझे सफलता प्राप्त मिलेगी। दीदाजी, इतनी बड़ी कार्रवाई को आप किस लहजे से देख रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से उत्पीड़न की कार्रवाई है, और ये राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई हो रही है। आप सबको पता है जो मुकदमा लिखाया गया वो भी पूरी तरीके से फर्जी था, बनावटी था। केवल फंसाने के लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को फंसाने के लिए हमारी पार्टी के जो दो बार विधायक रह चुके हैं उनको पहले मुकदमे में फंसाया गया, गैंगस्टर लगाया गया, और गैंगस्टर के बाद आज जो कार्रवाई की गई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसकी कितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आवासीय परिसर होता है, आवासीय परिसर तो व्यक्ति अपने मेहनत से प्रयासों से सबसे पहले बनाता है, और उन्होंने ये मकान हमारी समझ में 20 साल पहले इसको तैयार किया किसी तरीके से अपने रहने के लिए। क्या ऐसा तो है नहीं, परिवार है, इनके पिताजी थे, और पिताजी अच्छी खेती है, व्यवसाय है, तमाम चीज़ें हैं, लोग उससे अपने सबसे पहले मकान बनाते हैं, और मकान बना के तैयार किया, अपना रह रहे बाकी व्यवसाय हैं। अगर सरकार को वो किसी भी प्रकार की शंका है, या कहते हैं उनको नोटिस देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये आपने कहाँ से संपत्ति जुटाई इस मकान को बनाने में, उसको जवाब दिया जाता। अगर जवाब मिल जाता तब तो कोई बात नहीं है, अगर जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते तब ये कार्रवाइयाँ करना चाहिए, लेकिन अचानक इस तरीके की इतनी बड़ी कार्रवाई कर देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मतलब ऐसा समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा लड़ाई के लिए और संघर्ष के लिए। अभी चूँकि हम लोग तो स्थानीय लोग हैं, हम निर्णय तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निर्णय इस पर हम लोग संघर्ष के लिए करेंगे, और एक तरफ संघर्ष के रास्ते पर जब एक तरफ बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ न्यायालय पर भी हम पूरा भरोसा करते हैं कि न्यायालय हमें निश्चित रूप से न्याय देगा। थैंक यू।